हेलो दोस्तों, न्यू पंजाब एंटरप्राइज के और एक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जिस साइकिल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो साइकिल बिल्कुल आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है H2O की तरफ से, H2O रेडियस। तो आज जानेंगे इस साइकिल के बारे में, क्या है इसके फीचर्स है, किस टाइप का ये साइकिल होने वाला है, कौन से कलर में आपको मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हैंडल कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ये एक एलॉय स्टेम हैंडल है, जिसमें आपके एलॉय के क्लच मिल जा रहे हैं। एलॉय के क्लच हैं दोनों, रियर एंड व्यू, बहुत ही सॉफ्ट जेंटल प्रेस पे आपके ये लग जाते हैं। उसके बाद में आपकी ये जो फोर्ड कंपनी ने प्रोवाइड की ये आपके सस्पेंशन फोर्क दी गई है। सस्पेंशन फोर्क के साथ में आपको यहाँ पे जो आपको ये जो रोटर मिलने वाला है, आपको जो डिस्क मिलने वाली है 160 mm की रोटर डिस्क मिलने वाली है, जिसमें आपको स्पैडम का कैलिपर दिया गया है। और ये जो रिंग आप देख पा रहे हैं, ये रिंग डबल वायल एलॉय रिंग आप कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको टायर मिल रहे हैं 26x240 साइज के, और ये बिल्कुल नायलन टायर है, नायलन फिनिश टायर है। इसमें मडगट्स आपको दिए गए हैं, PVC मडगट, बहुत ही अच्छे PVC मडगट प्रोवाइड किए गए हैं। और बात करते हैं अभी भी हम फ्रेम की, फ्रेम जो आपको मिल रहा है पूरा कार्बन स्टील फ्रेम प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और इसके ऊपर ही एक आपको बोतल होल्डर कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। बोतल में आप कुछ भी ग्लूकोज वगैरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करेंगे ये साइकिल का मेन जो खासियत है, ये साइकिल जो है ये एक फोल्डिंग साइकिल है, जो कि ईजिली टू कैरी है। आप कहीं भी आज मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपको अपना साइकिल साथ में लेके जाना है, तो इसको आप इजीली फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं। ये किस तरह से किया जाता है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और बाकी मैं अभी आपको और वीडियो के बारे में बताता हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए सीट जो है एकदम बहुत ही फॉर्म वाली सैडल दी गई है कंपनी की तरफ से। पीछे में भी आप देखेंगे तो पीछे में भी सेम चीज़ है, 160 mm की जो डिस्क प्रोवाइड की गई है रोटर के साथ, डबल वाला अलॉय रिम है। पैडल्स जो दिए गए हैं आपके बहुत ही अच्छा PVC पैडल्स दिए गए हैं। इसमें जो आपके वॉल ब्रैकेट है वो भी बहुत ही बढ़िया दी गई है, और स्टैंड भी आपका बहुत ही अच्छा कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो अभी आपको मैं साइकिल किस तरह से फोल्ड किया जाता है और किस तरह से इसे आप कैरी कर सकते हैं, इसका प्रोसेस दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप साइकिल को, पहले एक खुले स्पेस पे इस तरह से आपको लेके आ जाना है। मैं आपको इसका फोल्डिंग प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अभी स्टैंड कर लीजिए साइकिल को, और भी कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा सामने आके आपको दिखा ये फोल्डिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, तो इस लॉक को आपको इस तरह से उखड़ना है, इस तरह से ये ओपन कर लेना। यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे कि आपको ये अप एंड डाउन का एक स्प्रिंग टाइप का लॉक मिलता है, तो उसको लॉक को सबसे पहले आपको इसे उंगली से इस तरह से पुश करना है। ये देखिए आपका ये लॉक खुल गया। उसके बाद ये साइकिल को इस तरह ही कैसे आप फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से साइकिल फोल्ड हो जाता है, और इस तरीके से आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए तो कैरी है, इस तरह से आप उसको कैरी कर लेंगे, कैरी करके या कहीं में भी ट्रेन में, अपनी कार में, कहीं में भी आप जहाँ भी ट्रेवल करें उस तरीके से आपको साइकिल लेके जाना। फिर से इसे लॉक करने का सिस्टम क्या है, इस साइकिल को इस तरह से दोबारा से आप खोल लीजिए। सबसे पहले इसका हैंडल को इस तरह से सीधा करिए, इसके लॉक को इस तरह से आप खोल लेंगे। ये देखिए कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगा कि एक बार सामने आके आपको दिखा दे साइकिल को किस तरह से लॉक किया जाता है। तो फिर से सिस्टम बिल्कुल सेम है, आपको हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, इसको फिर से दोबारा से इस तरह से पुश करना है। ये आपने कर दिया लॉक, इसको इस तरह से दोबारा से पुश करिए, ये देखिए आपका ये साइकिल लॉक हो गया। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इस तरह से आपका साइकिल को आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और किसी जगह पर भी आपको जाना हो, मान लीजिए कहीं भी आप दूर ट्रेवल करें, वहाँ पर इसको इस तरह से आप करके कैरी कर सकते हैं। कंपनी ने जो सीट प्रोवाइड की, एक सीट बिल्कुल आपकी लॉक सिस्टम वाली सीट है। इस तरह से इसको आप लॉक को ओपन करेंगे, इस तरह से एक बारी दो बारी इसको घुमाएंगे तब ये लूज हो जाता है। इस तरह से आपने सीट को अपनी हाइट के हिसाब से आप इस सीट को एडजस्ट कर देते हैं। फिर से इसको एक बार दो बार इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। इस तरह का ये लॉक सिस्टम भी सीट आपको दिया गया, आप अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट करके चल सकते हैं। तो साइकिल के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये साइकिल बहुत ही बेहतरीन साइकिल है, फोल्डेबल साइकिल है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको एक ब्लैक कलर का वेरिएंट भी मिल जाता है, ब्लू कलर में भी मिल जाता है। तो जल्दी से आइए हमारे शॉप पर, आके इस साइकिल को परचेस कीजिए। तो आशा करता हूँ मैं आप सबको पूरी जानकारी साइकिल के बारे में बता पाया हूँ। आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। और आगे बताइए मुझे आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, कोई आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो चाहिए, कोई साइकिल का रिपेयर का वीडियो चाहिए, जो भी आपको देखना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके वीडियो में आप बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उस टाइप का आपके लिए मैं लेके आऊँ। तो मिलते हैं फिर और किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।